वासुदेव चाहे सुख हो या दुख अपने भाग से अधिक नहीं लेना चाहिए, मगर इस विषम अपमान में मेरा जो भाग है ना वासुदेव, वो भी इतना भारी है कि यदि किसी पर्वत पर रख दूं तो उसकी कमर टूट जाए। पर आप कहते हैं कि इतना दुखी होने का कोई कारण नहीं। कारण है वासुदेव, कारण है, पांचाली सर्वप्रथम मेरी पत्नी थी और मैं आचार्य द्रोण का शिष्य गांडीव धारी अर्जुन उस द्रुत क्रीड़ा भवन में चुपचाप सब कुछ देखता रहा, इस अपमान का कांटा मेरे हृदय में अटक गया है वासुदेव, जो ना मुझे सोने देता है ना जागने देता है, और बड़े भैया युद्ध की आज्ञा भी नहीं देते, वो प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रायश्चित, किंतु मुझे मुझे प्रतिशोध चाहिए वासुदेव, मुझे प्रतिशोध चाहिए, मुझे प्रतिशोध चाहिए उन पांचों से जिसके कपट के कारण हमें ये अपमान सहन करना पड़ा, मुझे प्रतिशोध चाहिए उस जंगा से जिसे पीट कर ये कहा गया था कि द्रौपदी को वहां बिठला दिया जाए, मुझे प्रतिशोध चाहिए उन हाथों से जो पहले द्रौपदी के केश तक फिर उसके वस्त्र तक पहुंच गए थे, और असभ्य उस जीव से जिसने भरी सभा में द्रौपदी को उस दिव्य जन्म द्रौपदी को वेश्या कहा था वासुदेव, वेश्या कहा था। ये जो प्रतिशोध की अग्नि मेरे सीने में है ना वासुदेव, इस अग्नि का मैं क्या करूं, इस अग्नि का मैं क्या करूं वासुदेव, इस अग्नि का मैं क्या करूं। क्या वासुदेव, आप ये कह रहे हैं हम प्रायश्चित करें, इस अपमान के विष को पीते रहे, कोई तो सीमा होगी वासुदेव, कोई तो सीमा होगी जिसके आगे हमें ये विष नहीं पीना पड़ेगा। मैंने उस सुत पुत्र कर्ण को मृत्यु दंड देने की प्रतिज्ञा ली है वासुदेव, मझले भैया ने दुर्योधन की जंगा तोड़ने और उस दुष्ट दुशासन की छाती की लहू से पांचाली के खुले हुए केश धोने की प्रतिज्ञा ली है वासुदेव, हमारी प्रतिज्ञाओं का क्या होगा वासुदेव, क्या समय, क्या भारत का ये इतिहास हमें प्रतिज्ञाओं ना पूरी करने वाले कार्यों के भीड़ में खड़ा करने वाला है वासुदेव, बोलिए, बोलिए ना वासुदेव। आपने सही कहा, हमें तैयारी करनी चाहिए, मैं आज से ही घोर तपस्या करूंगा और ब्रह्मा के